हरे कृष्णा। सत्तुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज की सभी को हार्दिक बधाई। तो ये सबसे पहले मैं बताती हूँ पूजा की विधि। तो ये मैंने सबसे पहले ये पेपर लगा लिया है, इसको मैंने सेलो टेप से चिपका दिया। आपके पास में सेलो टेप नहीं हो तो आप मैंने लेके गीली और उससे भी चिपका सकते हो। यहाँ मैं मिट्टी लेके यहाँ पर नीमड़ी लगा ली है और यहाँ पर ये मैंने अच्छे से मतलब गंगा जल से साफ कर लिया है। ये मेरे पास में तीन तरह की प्लेटें हैं, ये देखिए इस तरह की है, ये एक इस तरह की है और एक ये भगोना सा होता है ना, ये है। तो या तो आप गोबर से वो पूरा ऐसे चक्रा बना लीजिए, नहीं तो ये प्लेट ले लीजिए। आपके पास में गोबर नहीं है तो चलेगा प्लेट भी। अब प्लेट के अंदर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जो कच्चा दूध है ना वो डालूँगी, कच्चा दूध डाल के, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। और देखिए इस तरह से हमारी पूजा की तलाई तैयार हो गई है। इसमें अभी हम क्या क्या करेंगे वो भी सब मैं बताऊंगी। तो ये मेरे पास में दीपक है, घी का दीपक भर लिया है और दीपक रख दूंगी मैं यहाँ पे इस पर, क्योंकि ये प्लेट जो है ना मैंने ऐसी ही ली है कि इस पर ये दीपक आराम से आ जाएगा। आप भी अपने घर में देख लीजिएगा इस तरह का दीपक हो तो। और सबसे पहले तो हम इस पर सटिया बनाएंगे, जो पेपर चिपकाया है ना इस पर सटिया स्वास्तिक बनाएंगे। और स्वास्तिक बनाना हमारे मतलब हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, तो सबसे पहले स्वास्तिक बना देंगे। और स्वास्तिक बनाने के बाद में इसमें 13-13 बिंदियाँ लगाएंगे। 13 बिंदी लगाएंगे हम रोली की, और 13 बिंदी लगाएंगे हल्दी की, 13 बिंदी लगाएंगे काजल की, और 13 बिंदी लगाएंगे हम मेहंदी की। इस तरह से 13-13 बिंदी लगा देंगे। ये देखिए काजल ले रखा है, काजल की लास्ट वाली जो उंगली होती है ना उससे 13 बिंदी लगा देंगे। और इस तरह से हमारा ये पूरा तैयार हो चुका है। अब मैं बताती हूँ थाली। थाली में मैंने सारी चीज़ें रख ली है। एक मैंने थाली का शॉर्ट भी बनाया है, ये देखिए थाली के अंदर नारियल, फल, मेहंदी, ओढ़ाने का कपड़ा, और ये मोती दिखाने का, और ये देखो ककड़ी और केला मतलब, और दक्षिणा, सभी चीज़ें इसके अंदर मैंने रख ली है और पूजा करूंगी। और ये मेरे पास में कहानी की किताब है, कहानी कहेंगे तो काजल भी रख लिया है, मतलब आपको दिखाया था पहले वही काजल। तो मैंने तो इस तरह से पूरी थाली तैयार कर ली है। गेहूं रख लिए हैं, थोड़े से गुड़ रख लिया है, गुड़ तो हर कथा में कहानी में होना ही ज़रूरी है, तो गुड़ रख के, और ये थोड़ा सा ये कसुम्बा जो चुनड़ी होती है ना वो दिखाते हैं तलाई में, तो उसके लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम नीमड़ी की पूजा करते हैं, इनको वस्त्र पहना, पानी की छींटे लगा देते हैं, वस्त्र पहना देते हैं, मेहंदी लगा देंगे इनके। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो। और फिर इस तरह से सारी चीज़ें इन पर रख के दीपक जला देंगे, और दीपक जलाने के बाद में हम पूजा करेंगे। मतलब सबसे पहले तो क्या करेंगे, पूजा करने से पहले इसके अंदर तलाई में हम सब चीज़ें देखेंगे। दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, लोटा रख देते हैं, और सब चीज़ें देखेंगे इसके तलाई के अंदर। ये हमने लोटा या कलश जो भी लिया है इसको भी हम मोली बांध देंगे, और फिर इन पर क्या करेंगे, कुमकुम के और हल्दी के छोटी छोटी बिंदियाँ लगा देंगे। इससे क्या है कि कुमकुम और हल्दी दोनों ही शुभ मानी गई है, और पूजा करते हैं तो ये सुंदर भी बहुत लगते हैं, हल्दी से बहुत सुंदर हो जाता है, हल्दी भी शुभ मानी गई है। तो ये छोटी छोटी बिंदियाँ लगा के हम इनको तैयार कर लेंगे, और दीपक प्रज्वलित करके, और मैं आपको आगे की विधि बताती हूँ। हमारा दीपक प्रज्वलित हो गया है, धूप कर देते हैं, धूप हो गई है, वो सबसे पहले हम इनके अंदर जो देखने का काम होता है ना वो कर लेते हैं। जो भी देखेंगे उनको हम 7 बार बोलेंगे। जैसे आपको दीपक तो दिख रहा है ना, तलाई में दीपक दिखा दिखा सोई टूटा, तलाई में दीपक दिखा दिखा सोई टूटा। और ये फ्रूट देख लेंगे, तलाई में फ्रूट दिखे दिखे सोई टूटे, और सत्तू देख लेंगे, कसुम्बा देख लेंगे, मतलब सब चीज़ें इसी तरह से हम देख लेंगे और 7-7 बार बोलते जाएंगे। ये सभी चीज़ें तलाई में देखने के बाद में हम कथा स्टार्ट करेंगे। हाथ में 13 दाने गेहूं के ले लेंगे, गेहूं होने जरूरी है। और अब सुनिए आप कथा। 13 दाने ले लिए मैंने आखे मतलब। अब हम कथा स्टार्ट करेंगे। तो रक्षाबंधन के 2 दिन पश्चात भाद्रपद कृष्ण तृतीया की मतलब जो तीज आती है उसको कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, मतलब कई तरह से इसके नाम है,
और इसके एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है और तीज के व्रत करने की पूरी तैयारी किस तरह से होती है ये मैं आपको बताती हूँ। रोको की तैयारी, बड़ी तीज के एक दिन पूर्व सिंजारे के रूप में सिर धो करके हाथ पैरों के मेहंदी लगवानी चाहिए, इस तरह से मेहंदी लगवानी चाहिए और 1.25 किलो या पाव मतलब अपने को क्या बनाना है, सत्तू बनाना है। ये जैसे मैंने बेसन का बनाया है, आटे का बना सकते हैं, चावल का बना सकते हैं, कई तरह के सत्तू अच्छी तिथि और वार देख करके सत्तू बनाना चाहिए जिनको हमें पिंडे के रूप में इस तरह से जमाया जाता है और ऊपर ये एक कथा सुनने के लिए रखा जाता है। इनके ऊपर ये मेवे लगा दिए हैं, ये बर्क लगा दिया है और सुपारी रख देते हैं। ये देखिए ये सुपारी दिख रही होगी आपको, सुपारी रख देंगे और उसके ऊपर पैसे रख देंगे। पैसे अभी मैं रखती हूँ, ये कल करने के लिए मैंने पैसे रख दिए। कुंवारी कन्याएं जो व्रत करती है वो अपने भाई के लिए करती है और शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए करती है और भाई से मतलब कुंवारी कन्याएं होती है भाई से सत्तू लेती है और शादीशुदा औरतें होती है लेडीज होती है वो अपने पति से लेती है। और बड़ी तीज मतलब इस तरह से पूरी पूजन की सामग्री की तैयारी कर ली है और आपको मिट्टी से ये तलाई बना सकते हो आप, नहीं तो ये इस तरह के स्टील का रख के भी बना सकते हैं। वो कच्चा दूध तलाई में डाल के ये कर लिया। तो अब मैं बताती हूँ ये इसकी सातुड़ी तीज या बड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था, उसकी पत्नी जेठानियों के साथ काम करके अपना गुजारा करती। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया, सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी, सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू बासने लगी, उसी समय उसका पति वेश्या के साथ गया और बाहर से बोला किवाड़ खोल दे। उसके दरवाजा खोला, वहां बैठा भी नहीं था कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अपनी अभी वेश्या के घर पर छोड़कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ने गई, ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही बात कहा कि मुझे वेश्या के घर पर छोड़कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ आ, अब मैं नहीं आऊंगा मतलब वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई, उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से एक आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पीवतरी, पीयू प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दे दिया, वह सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आया, पत्नी को आवाज दी दरवाजा खोल। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, वह अपन दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा कि मुझे वचन दो फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया कि उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों से धन दौलत सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा और ये सब तेरे ही है। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चल माँ को बताया कि आज से काकी काम करने के लिए नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश है। हे तेज माता, जैसे आपने उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न हो आना और सबके दुख दूर करना। सातुड़ी तीज की कहानी नंबर 2। किसी गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। बादवे की कजली तीज आई, ब्राह्मणी ने उससे कहा कि आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चोरी करो, डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था, ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार के दुकान में घुस गया। उसने वहां चने की दाल, घी, शक्कर लेकर के 1.25 किलो तोल का सत्तू बना लिया और चलने लगा तो आवाज आई। सुनकर दुकानदार जाग गए और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसने पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी की आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ ये 1.25 किलो का सत्तू बना करके ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली, उसके पास में सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था, ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीब व ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को अपनी धर्म की बहन बनाया। ठाट बाट से सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा सब उसको धन दे करके विदा किया और उसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि अगर पीहर से सत्तू नहीं आते हैं तो अपने घर में बनाकर ही सत्तू खा सकते हैं। अब कहेंगे हम गणेश जी की कहानी।
एक ब्राह्मण का लड़का था, वह गणेश जी की खूब सेवा करता था। माँ उससे लड़ती थी, कहती थी ये पूजा पाठ छोड़कर काम धंधा करो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता था। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर निकल गया। सोचा आज विनायक जी को मिलकर ही उससे उपाय पूछूंगा और तभी वापस घर आऊंगा। लड़का विनायक वेबान जंगल में चला गया और विनायक जी ने सोचा कि मेरा नाम लेकर घर से निकला, इसे बाघ वगैरह कुछ खा न जाए, इसे बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश कर विनायक जी महाराज लड़के के पास आए। बोले लड़के कहाँ जा रहा है? लड़का बोला विनायक जी को के पास में जा रहा है। विनायक जी बोले कहाँ मिलेंगे? लड़का बोला जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। विनायक जी उसके प्रण से बहुत ही प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले हे विनायक जी मैं बोल क्या चाहता है कुछ। लड़का बोला कि मैं तो मांगना भी नहीं जानता हूँ, क्या मांगू? विनायक जी बोले फिर यहाँ क्यों आया है? तो सोच विचार कर लड़का बोला घोड़ा और लगाम मांगू, पूंछा गजराज को मांगू, महल मांगू, माल्या मांगू और हींगराज को, हींगराज को एक मांगू, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानी फूल गुलाब को। तो विनायक जी बोले लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, कुछ भी नहीं मांगना जानता था फिर भी इतना सारा मांग ले। लड़का वापस घर आया, देखा छोटे से पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत सा धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गए। लड़का अपनी माँ से बोला देखो माँ इतना दिया है विनायक जी के प्रताप ने। यह सुनकर उन्हीं का आशीर्वाद दिया है, माँ बहुत प्रसन्न हुई। विनायक जी की भगवान, विनायक जी भगवान जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबके भंडारे करना, कहने सुनने हुकारे भरने वालों सबका भला करना। बोली विनायक जी महाराज की जय। और इसके बाद में ये जो कहानी के आंखें हैं वो इस कलश में डाल देंगे और इस कलश से सूर्य चांद निकलने के बाद में अर्घ देंगे, सूरज नहीं चांद निकलने के बाद में, और इसकी आरती कर लेंगे। आरती हमें क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करनी है। इस तरह से आरती करके, अगर आपको आरती आती है तो आरती गा लीजिए, नहीं तो कोई भी मंत्र बोल के आरती कर लीजिए। इस तरह हमारी कथा संपूर्ण होती है। बोलिए तीज माता की जय हो।